रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ यूपी 75। नेता वकील और मंत्री ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, जन्मभूमि ट्रस्ट पर उठे सवाल। सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम फैसला, बिना मेरिट जारी होगा 10वीं व 12वीं का रिजल्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार के प्रोजेक्ट एल्डर लाइन को सराहा, बोले बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी पहल। नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण समिति की हुई बैठक, नींव में प्रयोग होने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता पर भी हुई चर्चा। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर फिर कसने लगा शिकंजा, प्रयागराज पुलिस जुटा रही गोपनीय जानकारी। अलीगढ़ में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने घर में घुसकर गर्भवती महिला के साथ की मारपीट, मारपीट पर गर्भवती महिला व अन्य महिलाओं की आई गंभीर चोटें, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों के नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। अयोध्या में प्रेमिका के भाई ने चाकू मारकर युवक की हत्या, युवक की जिला अस्पताल में मौत। औरैया में शॉर्ट सर्किट से बैंक में लगी आग, दो फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। अयोध्या धाम में मंदिर के पुजारी को जहरीला पदार्थ खिलाकर हुई लाखों की चोरी, पुलिस कर रही मामले की जांच। जनपद आजमगढ़ में सड़कें हैं बदहाल, बरसात के दिनों में गड्ढे में भर जाता है पानी, अक्सर लोग दुर्घटना के हो जाते हैं शिकार। बदायूं में मरीज की मौत की सूचना पर चौकी इंचार्ज सहित सारा स्टाफ बिना मास्क के घटनास्थल पर पहुंचा। फिरोजाबाद में टेम्पो से बाइक टकराने को लेकर बीच सड़क पर हुआ तांडव, बाइक सवार और टेम्पो में बैठी सवारी में हुई जमकर मारपीट, पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। हरदोई में ट्रैक्टर की टक्कर से पोल टूटकर गिरा, एक की हुई मौत, पांच लोग हुए घायल, घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जालौन के ग्रामीणों के लिए नाबार्ड लघु सेतु निर्माण द्वारा बनाए गए पुल का निर्माण कार्य हुआ पूरा, विधान परिषद ने किया पुल का लोकार्पण। राजधानी लखनऊ में एक युवती की रेप के बाद हुई हत्या में खुलासा, मृतका के दोस्त ने और अपने दो दोस्तों के साथ दिया था वारदात को अंजाम। मैनपुरी में स्ट्रीट शीटर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, कौशल अली की संपत्ति कुर्क करने के लिए आदेश। मनरेगा में रोजगार सेवक ने किया घोटाला, खंड विकास अधिकारी ने रोजगार सेवक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का दिया निर्देश। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, खंभे से करंट उतरने से बेजुबान गाय की गई जान, बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ लोगों ने दिखाया आक्रोश। संभल में दबंगों ने रंजिश को लेकर किसान के पशुशाला में लगाई आग, आग से जलकर छह पशुओं की हुई मौत, दबंगों के खिलाफ नहीं की गई कोई कार्रवाई। शाहजहांपुर में पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में निर्मित अर्ध निर्मित अवैध असलहे मौके से हुए बरामद। शाहजहांपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य की बेटी को उतारा मौत के घाट, मृतक बेटी के पिता द्वारा ससुरालियों पर लगाया गया आरोप।
सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते पति पत्नी पर धारदार हथियार से किया गया जानलेवा हमला। हमले में पति पत्नी बुरी तरह घायल। घटना की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। सुल्तानपुर में बारिश ने रेलवे अधिकारियों के दावे की खोली पोल। कॉलोनी के दर्जनों घर बारिशों का भरा गंदा पानी। अधिकारियों की उदासीनता से नाराज रेलवे कर्मचारियों ने खुद ही सफाई करवाई। सीतापुर का 20 वर्षों पुराना पंचायत भवन हुआ जर्जर। कभी भी गिर सकती है बिल्डिंग, नहीं हुई मरम्मत। न्यूज चैनल के पत्रकार की संदिग्ध हालात में मौत। प्रतापगढ़ में सड़क पर मिला शव। घरवालों को कत्ल का संदेह। माफिया मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि की तलाश में जुटी पुलिस की टीम की छापेमारी। मुख्तार अंसारी ऑनलाइन वर्चुअल तौर पर सीजेएम कोर्ट में होगा पेश। चांदी तस्कर दो सगे भाइयों के मंसूबों पर जीआरपी ने फेरा पानी। यूपी के चंदौली से डीडीयू जंक्शन से 24 लाख की चांदी के साथ हुए गिरफ्तार। लखनऊ में पीजीआई के विशेषज्ञ बोले एक साल तक रह सकता है पोस्ट लॉन्ग कोविड का असर। यूपीएचईएससी जुलाई में कराएगा भर्तियां। जल्द जारी किया जाएगा संशोधित कार्यक्रम। आगरा में खेलते खेलते 4 वर्षीय मासूम बोरवेल में गिरा। बोरवेल बंद न करने से हुआ बड़ा हादसा। घर में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस बचाव कार्य में जुटी। औरैया में सब्जी लेने जा रहे सब्जी विक्रेता की हुई निर्मम हत्या। हाईवे के किनारे खेत में पड़ा मिला शव। आजमगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 7 चोरी के आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक तमंचा, 32 बोर, एक खोखा कारतूस किया बरामद। बंदायू में चचेरे भाई में जमीनी विवाद को लेकर चली गोलियां। लगभग आधा दर्जन लोगों हुए घायल। एक की हालत गंभीर। सभी को जिला अस्पताल किया गया रेफर। बुलंदशहर में स्विफ्ट कार सवार युवक को बोलेरो सवार हमलावरों ने मारी गोली। एक युवक हुआ घायल। घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार। घायल को हार मेडिकल सेंटर में कराया गया भर्ती। गोरखपुर में लुटेरे और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में शातिर लुटेरे अमित को लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुशीनगर में बालू नदी ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आए दो सगे भाई। एक भाई की हुई मौके पर ही मौत, एक घायल। रायबरेली जिले की तहसीलों में नई थम रहा भ्रष्टाचार का सिलसिला। लेखपाल फरियादी से घूस लेते हुए कैमरे में हुआ कैद। बुलंदशहर में आम के बाग में मिला युवक का शव। मौके से सल्फास व पानी की खाली बोतल हुई बरामद। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। हाथरस से नोएडा जा रहा था युवक। डिवाइडर से बाइक टकराने से हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। अलीगढ़ में मिला वैक्सीनेशन के बाद सिक्के चम्मच चिपकने का मामला। डॉक्टर हुए हैरान। यूपी से मिशन 2022 साधने की तैयारी में कांग्रेस। मतदाताओं को साधने के लिए वर्चुअल बैठकों का दौर शुरू। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप। भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से बर्बाद हो रहे व्यापारी।
आजमगढ़ में चुनावी रंजिश व भूमि विवाद को लेकर मारपीट, मारपीट में दो लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आजमगढ़ में भारी बारिश के चलते गिरा मिट्टी का घर, जिसमें एक महिला एवं एक भैंस दबकर हुई मौत, महिला को उपचार हेतु निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर के गांव में संदिग्ध परिस्थिति में मिला एक अधेड़ का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली के गांव में 3 साल की मासूम के साथ किशोर ने किया रेप, आरोपी मौके से फरार, मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुल्तानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का मिला शव, राहगीरों ने दी शव देखे जाने की पुलिस को सूचना, आनंद थाना में मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झमाझम बारिश के साथ गोरखपुर में मानसून की दस्तक, 4 दिन तक रहेगी रुक रुक कर बारिश। यूपी सहकारिता भर्ती घोटाला, हटाए गए सहकारी बैंक के एमडी भूपेंद्र कुमार, वरुण मिश्रा को मिला अतिरिक्त प्रभार। मास्क न लगाने पर यूपी में सबसे बड़ा चालान, पुलिस आवास निगम के जेई पर लगाया गया जुर्माना। एम्स गोरखपुर में लंबी प्रतीक्षा के बाद आईपीडी व ऑपरेशन थिएटर यानी कि ओपीडी हुआ शुरू, जल्द ही भर्ती होंगे मरीज। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कानपुर नगर निगम ने मंडियों के लिए तलाशी नई जगह, जल्द शुरू हो जाएगा निर्माण। भोपाल में प्रयागराज पुलिस ने शक की छापेमारी, लेकिन पकड़ में नहीं आया कारोबारी से 5 लाख लूट कर भागे अपराधी। तागी पुलिसकर्मियों, सफेदपोश अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाएगी गोरखपुर पुलिस। मुरादाबाद में मंदिर में कार्यक्रम करने को लेकर हंगामा, पुलिस ने पहुंचकर शांत कराया मामला। आगरा एसटीएफ को सफलता, बड़ी मात्रा में पिस्टल, रिवॉल्वर और कारतूस किया गया बरामद। प्रतियोगी छात्रों ने खाली पदों को बनाया मुद्दा, पुरानी भर्ती के लिए इंटरनेट मीडिया पर भी चलाया जा रहा अभियान। हरदोई में मेडिकल छात्र की गोली मारकर हत्या, कार के बाहर पड़ा मिला शव। लखनऊ में बुजुर्गों की मदद के लिए बनी सीनियर सिटीजन सेल, थानों में मिलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बिट्टू कांड में निलंबित डीआईजी अनंत देव की फिर बड़ी मुश्किलें, उनके आदेश से ही नष्ट हुई थी भाजपा नेता की हिस्ट्री शीट। पीएनबी के मैनेजर की हत्या का राजफाश के बाद बैंक अधिकारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगाया सवालिया निशान। गाजीपुर में प्रेम पंचम में युवक की गोली मारकर की हत्या, त्यारे को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 दशक बाद शुरू हुआ अग्निहोत्र यज्ञ।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में MBBS वाले आयुर्वेद व BAMS पास वाले पढ़ेंगे एलोपैथ। बायो रेडिएशन टेक्निक्स से शैवाल मुक्त होगी गंगा, वाराणसी के घाटों पर नमामि गंगे ने किया ट्रायल। बलिया जिले में 20 गौवंश बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार, कार्रवाई करने की उठी मांग। वाराणसी में किसान को नोटिस, थमाने के लिए मामले में अधीक्षण अभियंता करेंगे पूछताछ। बलिया जिले में गंगा की लहरों में बाहर डंप, करोड़ों का अवैध लाल बालू। बलिया जिले में नहीं हो रही गेहूं की खरीद, केंद्रों पर किसान हुए लाचार, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लगी कतार। सोनभद्र में रेणुका नदी पर पुल निर्माण के लिए मृदा प्रशिक्षण शुरू, आवाजाही में होगी सहूलियत। कोरोना के चलते गोरखपुर में 300 करोड़ का निवेश फंसा, गीडा में लगनी है 68 नई औद्योगिक इकाइयां। बीटेक के युवक ने खुद को गोली से उड़ाया, घर वाले बोले साफ कर रहा था रिवॉल्वर। माफिया रामू द्विवेदी के कारोबारियों पर पुलिस कस रही शिकंजा, गिरफ्तारी के लिए दी गई दबिश। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी बोले श्री राम मंदिर के विरोधी ट्रस्ट को कर रहे हैं बदनाम। यूपी के परिषदीय स्कूलों के बच्चों को कोरोना से लड़ने का मंत्र देगी मीना मंच, बालिकाओं को भी करेगा सजग। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।